भाजपा ने उम्मीदवारों को लेकर चौंकाया तो भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती साहब। कांग्रेस ने भी एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला कर लिया है, यानी कि भाई जीत अंदरूनी खौफ और गुटबाजी मप्पा की रणनीति के चलते दो फैसले चौंकाने वाले होंगे। पहला वर्तमान, मतलब समझ रहे हैं ना, वर्तमान में मुख्यमंत्री फेस कमलनाथ चुनाव ना लड़ने का फैसला ले सकते हैं, और दूसरा कभी चुनावों में जीत का मुंह ना देख सकने वाले नेताजी फिर से राजधानी के पास वाली सीट से साहब उम्मीदवार बन हूँ तू तू करते दिखेंगे। नाम बताएं? जी बुजुर्गवार सुरेश पचौरी साहब। चलिए पचौरी दादा की बात तो अगले वीडियो में, लेकिन कमल बाबू से जुड़ी खबर तो बताना बनता है गुरु। तो भैया छटपटाते सूत्रों की माने तो कमल बाबू है ना चुनाव लड़ते नहीं बल्कि लड़ाते दिखेंगे। वजह भी जान लीजिए। वजह नंबर एक, दरअसल खुद कमलनाथ अपने ही जिले में घटते जनाधार से असहज हैं, और उसका कारण है सीएम बनने के बाद विधानसभा उपचुनाव लड़ना और महज 25,000 वोट से जीत हासिल करना। मतलब इतनी छोटी जीत, ओहो। होता है ना कुछ ऐसा कि वर्तमान मुख्यमंत्री कोई चुनाव लड़े तो एक बड़ी जीत तय मानी जाती है। शासन प्रशासन का साथ, मतदाताओं पर अपना सीएम होने का भाव, मतलब अपना सीएम होने का भाव, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वैसे भी कमलनाथ के सामने भाजपा ने एक नए नवेले उम्मीदवार को उतारा था जिसका कद उस समय शून्य था लगभग, फिर भी गुरु उसने इतनी बड़ी फाइट देकर अपने आप को साबित किया। लेकिन अब उसी उम्मीदवार यानी कि बंटी साहू पर भाजपा ने फिर से भरोसा दिखाया है। साफ है वो पुराना अनुभव है ना कमलनाथ को बार बार असहज कर रहा है। नंबर दो, दरअसल इस बार का चुनाव कांटे का है गुरु। कांग्रेस के लिए जीत एकदम संजीवनी की तरह होगी। इन हालातों में यदि कमलनाथ खुद चुनाव लड़ते हैं तो मजबूरन उन्हें अपने चुनावी क्षेत्र में अधिक ध्यान देना होगा। इस स्थिति में भैया अन्य सीटों पर से फोकस कम होगा, और यदि ऐसा होता है तो हाथ आ सकने वाली बटे रहना फुर्र से उड़ सकती है। तीसरा और आखिरी, दरअसल कांग्रेस भले ही एकजुट होकर चुनाव लड़ती दिख रही है गुरु, लेकिन अंदर खाने सत्ता की कमान किसके हाथ में हो इसे लेकर जमकर घमासान। कमलनाथ खेमे ने तो खुद ही सीएम फेस घोषित करके एक और तो बाजी मार ली है। दिग्गी सहित अन्य खेमे इस बात को मानने ही तैयार नहीं। उम्र जनाधार का हवाला देकर किसी अन्य नेता को सीएम बनाने की पूरी जुगत की जा रही है साहब। यही एक बड़ी वजह है कि राहुल से लेकर प्रियंका ने सीएम फेस का इशारा तो किया, लेकिन गुरु एकदम साफ साफ शब्दों में अब तक नहीं कहा है कि कमलनाथ ही हमारे सीएम होंगे। विरोधी गुट की पूरी कोशिश है कमलनाथ को चुनाव लड़ने से दूर रखा जाए, और यदि पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम को लेकर यही तर्क होगा कि नेता विधायक दल से ही चुना जाए, और ये वो तर्क होगा कि जब कमलनाथ अपने आप ही सीएम की कुर्सी से अलग थलग पड़ जाएंगे। कुल जमा साहब नाथ का खौफ चिंता और विरोधियों की गोटियां स्पष्ट संदेश दे रही है कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो सवाल नाथ की जगह कौन। एक लाइन में जवाब है गुरु, बहु प्रिया नाथ, जिनको की राजनीति में नारी सम्मान योजना के अनाउंसमेंट के दौरान लॉन्च किया गया था। बाकी आगे क्या और कुछ वो तो भैया भविष्य अपनी जेब में छुपा कर रखे बैठा है। तब तक हम भी इंतजार कर रहे हैं और आप भी करिए। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।